Assalamu alaikum everyone, my name is Zafran Sajid, Maths by Zafran के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आज की इस वीडियो में हम MTH 401 के पास पेपर्स की बात करेंगे और इससे पहले भी हमने दो वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें हमने पहले 20 MCQ जो थे वो हमने डिस्कस किए थे डिटेल के साथ। उन दोनों वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो आप उन्हें वहां से ओपन करके देख सकते हैं। सो बाय द वे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की जानब। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन x²-4y" (-10xy) (+y)=0 है सिंगुलैरिटी एट। ये आपके पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और आपसे पूछा गया है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सिंगुलैरिटीज हैं वो कौन से पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। ऑप्शन ए क्या है, x = +-1। ऑप्शन बी क्या है, x = +-2। ऑप्शन सी इज x = +-3 एंड ऑप्शन डी इज x = +-4। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली वो ऑप्शन बी है। ये जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ ये मैंने खुद वेरीफाई किया है, आप इसमें बिलीव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ कि जब भी कोई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो उसके आप सिमिलैरिटीज कैसे चेक करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। बहुत आसान सा तरीका है। देखिए, ये जो सेकंड डेरिवेटिव है जिसको मैंने सर्कल किया है, इसका जो कोफिशियंट है x²-4, इसको आपने जीरो पुट करना है। x²-4 को जब मैं जीरो पुट करूंगा तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लें। x² = +4, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें जरा इसका, इधर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर ये कैंसिलेशन हो जाएगी तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी +-2। तो इस तरह से आपने जो सिंगुलैरिटीज होंगी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की वो फाइंड करनी है। जस्ट ये जो डबल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट है, जहां पे ये जीरो होगा, जिन पॉइंट्स के ऊपर ये जीरो होगा वो पॉइंट बेसिकली गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 21 की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इज, ऑपरेटर मेथड इज द मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस और लीनियर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस व्हिच इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑफ। ऑप्शन ए क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑप्शन बी इनडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑप्शन सी इज चॉइस वेरिएबल एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ देम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो ऑपरेटर मेथड होता है जो कि होमोजीनियस लीनियर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूज होता है और विच इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक एलिमिनेशन। किसकी एलिमिनेशन होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल की एलिमिनेशन होती है। सही है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 22 की भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, द नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम एग्जिस्ट ओनली व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ a-λi = 1। ऑप्शन बी इज डिटर्मिनेंट ऑफ a-λi = 0। ऑप्शन सी इज डिटर्मिनेंट ऑफ a-λi = -1 एंड ऑप्शन डी इज डिटर्मिनेंट ऑफ a-λi does not = 0। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली वो ऑप्शन बी है। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, जीरो जीरो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है ना। जीरो जीरो के अलावा अगर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसे हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। वो कह रहा है कि किसी भी सिस्टम का जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है वो कब एग्जिस्ट करता है, जब हमारे पास a-λi ये आपके पास जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ये = 0 हो। जब ये जीरो होगा तो उस वक्त हमारे पास सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज। ये आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ऑप्शन ए क्या है, y = e^2x + c। ऑप्शन बी इज y = σ(x)(n)/4n). ऑप्शन सी इज (both 1 and 2). ऑप्शन डी इज नन ऑफ देम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। सही है, ये हमने कैसे फाइंड किया मैं आपको यहां से थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। आपने करना क्या है,
आपने यहाँ पर dy by dx यहीं पर रहेगा, आपने 2y को दूसरी साइड पे मूव करना है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो सेपरेबल मेथड है उसको आपने यूज करना है, dy और ये जो 2y है इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे dx इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आप बेशक 2 को भी आप ऊपर ही ले जाए, तो यहाँ पर मैं 2 को भी ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पे सिंपल dy डिवाइडेड बाय y बच गया और यहाँ पे 2dx बच गया। आप दोनों साइड पे इसको इंटीग्रेट करें जरा, सेपरेबल मेथड में किस तरह से करते हैं इधर नीचे देख लें आप। अच्छा, लेफ्ट साइड पे हमें नेचुरल लॉग ऑफ y मिल जाएगा और राइट हैंड साइड पे 2x प्लस, ये तो आपके पास 2x को इंटीग्रेशन आ गई, प्लस हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस c करेंगे या यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ c ऐड कर लें। ओके, अच्छा अब आपने क्या करना है यहाँ पे, दोनों साइड पे आपने यहाँ पे जो है ना वो एक्सपोनेंशियल e लेना है दोनों साइड पे। तो जब मैं यहाँ पे सिंपल आप जो है ना वो नेचुरल लॉग को रहने दे, आप सिंपल c ऐड करें जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। अच्छा, अब दोनों साइड पे जब हम e लेते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हम सिंपल y मिल जाएगा हमें, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और जो लॉग होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और राइट साइड पे क्या होगा 2x प्लस c, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, ऑर्डिनरी पॉइंट्स ऑफ गिवन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस आर, आपके पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी ऑर्डिनरी पॉइंट्स क्या है। ऑप्शन ए क्या है 0, 1, ऑप्शन बी क्या है 8, 8, ऑप्शन सी क्या है 6, 6, ऑप्शन डी क्या है नन ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि किसी भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे वो आप कैसे फाइंड करेंगे। ओके, आपने किसी भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को ना इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, y डबल प्राइम प्लस p ऑफ x, y सिंगल प्राइम प्लस q ऑफ x, y गोज टू 0। देखें ना, यहाँ पे ये जो y डबल प्राइम वाली टर्म है इसका कोफिशियंट 1 है, तो आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपने उसका जो है ना उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखें आपके पास ये y डबल प्राइम वाली टर्म है, इसका जो कोफिशियंट है वो 1 होना चाहिए। कब 1 होगा, जब हम इसी से डिवाइड करेंगे, तो पूरी इक्वेशन को आप इससे डिवाइड कर दें तो आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू लिख देता हूँ। पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा फिर, दिस विल बी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 64 और यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 36। और जो क्यू ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ। क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 64 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 36। सो वो वाले पॉइंट्स जिनके ऊपर p ऑफ x और q ऑफ x जो है वो डिफाइंड हो, वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे। तो ये जो ऑप्शन ए में 0 और 1 दो पॉइंट्स गिवन है, इन दो पॉइंट्स के ऊपर p ऑफ x और q ऑफ x दोनों डिफाइंड है, सही है ना, मतलब एनालिटिक है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। आपने किसी भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डिनरी पॉइंट्स ऐसे ही फाइंड करने हैं। ओके, अच्छा अब हम मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द इक्वेशन, ये आपके पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसके इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स क्या हैं। ऑप्शन ए क्या है x इज इक्वल टू, ऑप्शन बी क्या है x इज इक्वल टू माइनस 2, ऑप्शन सी क्या है x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 2, ऑप्शन डी क्या है नन ऑफ देम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट है वो x इज इक्वल टू माइनस 2 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। सो क्वेश्चन नंबर 27 में एक मैट्रिक्स गिवन है और उसकी एंट्रीज क्या है 1001। The matrix A has real and unequal values, repeated and real eigenvalues. Option C is complex eigenvalues and option D is none of them. इसका जो correct option है वो
रिपीटेड एंड रियल एगन वैल्यूज। जस्ट आपने इस मैट्रिक्स की जो है ना वो एगन वैल्यूज फाइंड करनी है। एगन वैल्यूज का मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आपने इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करें और यहाँ पे ये जो आई है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ टू क्रॉस टू है, ठीक है ना। इसको यहाँ पे पुट करें तो आपके पास एगन वैल्यूज आ जाएंगी और वो दो एगन वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना, और वो रियल भी होंगी और रिपीटेड होंगी, तभी हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 27 की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 28 पे मूव करते हैं। ओके, आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है, देन एगन वैल्यूज आर, ये जो मैट्रिक्स ए है इसकी एगन वैल्यूज क्या होंगी। आपने दोबारा से उसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपने देखना है कि क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है जिसमें 1 और 2 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी है 01, ऑप्शन नंबर सी है 02, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ देम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, उसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी। यहाँ पे सॉरी 2 माइनस लैम्डा, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। अच्छा, इसका आप डिटरमिनेंट लेंगे तो हमारे पास 1 माइनस लैम्डा इनटू 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पे आप दोनों को इलादा इलादा 0 पुट करें तो लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी और लैम्डा की वैल्यू 2 आएगी। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 29 पे मूव करते हैं। ये पहले आप वैसे मैंने आपको बता भी दिया है लेकिन चलिए इसको हम डील भी कर लेते हैं कि इसका देख लेते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। लेट लैम्डा बी एन एगन वैल्यू ऑफ अ नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ए, देन द इक्वेशन, ये आपके पास जो इक्वेशन है डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ट्रिवियल इक्वेशन, ऑप्शन बी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ऑप्शन सी है नॉन ट्रिवियल इक्वेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। ये आपके पास जो इक्वेशन होती है इसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 30 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, इसको हम देख लेते हैं। एगन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि होमोजीनियस है वो गिवन है और इसमें जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो क्या है 1022। ये आपके पास मैट्रिक्स है, आपने इसकी एगन वैल्यूज फाइंड करनी है। वही तरीका जो हमने लास्ट वाले एमसीक्यूज में किया है। आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो दो एगन वैल्यूज आएंगी, एक आएगी लैम्डा इज इक्वल टू 1 और दूसरी लैम्डा इज इक्वल टू 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अच्छा, इस पेपर का जो है ना वो एक आखिरी सेशन रह गया है जिसमें हमने 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करने हैं। अगर आप में से कोई वीडियो नहीं देखना चाहता और आपको चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट जो है ना वो आपको मिल जाए तो वो मुझसे कंटेक्ट कर सकता है। वो डॉक्यूमेंट पेड होगा क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत की है इसको बनाने के लिए, तो हम आपको वो डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।